लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। महाराष्ट्र में जारी मिनी लॉकडाउन ने एक बार फिर प्रवासी मजदूरों को मुलुक जाने के लिए मजबूर कर दिया है। ताजा हालात यह है कि उत्तर भारत की ओर जाने के लिए मुंबई के कुर्ला टर्मिनस पर प्रवासियों की भीड़ उमड़ने लगी है। मुंबई उपनगरों में भी मुलुक लौटने के लिए प्रवासियों का रेला सड़कों पर दिखने लगा है। मुंबई के हाईवे पर आज इसका नजारा देखने को मिला। प्रवासियों ने कहा कि मिनी लॉकडाउन में फिर से भूखे मरने की नौबत आ गई है, इसलिए घर लौटने में ही समझदारी है। देखिए रिपोर्ट। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 15 अप्रैल से जारी मिनी लॉकडाउन से प्रवासी मजदूरों और उत्तर भारतीयों का पलायन फिर तेज हो गया है। प्रवासी मजदूर उद्धव सरकार की असमंजस वाली भूमिका से चिंतित हैं। उनका कहना है कि पहले तो सरकार ने खाने पीने का कुछ इंतजाम भी किया था, लेकिन इस बार तो लावारिस छोड़ दिया है। कंपनी और कारोबारी भी कामगारों की छंटनी कर रहे हैं, जिससे फिर रोजी रोटी का संकट पैदा होने लगा है। इसलिए प्रवासी मजदूर गांव लौटने लगे हैं। मुंबई के कुर्ला टर्मिनस पर दिख रही यह भीड़ इसका सबूत देती है। मुंबई के उपनगरों से भी कमोबेश मजदूरों का पलायन इसी तरह जारी है। आज मुंबई की सड़कों पर भी इसका नज़ारा देखने को मिला। प्रवासी मजदूरों ने कहा कि जिस तरह कोरोना उफान पर है, उससे लॉकडाउन के और बढ़ने की संभावना है। मजदूरों की माने तो लॉकडाउन में जब कामधाम नहीं रहेगा तो वे भला कैसे जिएंगे, इसलिए मुलुक लौट जाने में ही समझदारी है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। अभी हम लोग आए कोल्हापुर से, कोल्हापुर से काम कर रहा था तो काम धंधा बंद हो गया, इसके लिए हम लोग आया इधर कुर्ला पे। अभी गांव जाएंगे पश्चिम बंगाल, गाँव वेस्ट बंगाल। हम लोग अभी 18-19 लोग है इधर। अच्छा, एक ही गाँव का है, टिकट कन्फर्म है। क्या कहेंगे, जिधर था उधर मुश्किल में था, बहुत बोल रहे लॉकडाउन बढ़ गया, इसका वजह से आवाज भी नहीं मिल रहा था हम लोगों को उधर। फिर हम लोगों को एक कॉन्ट्रैक्टर को बोला, दे 25 आदमी हैं हम लोग, कुछ भी करके हम लोगों को पहुंचाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।